रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में आप सुन रहे हैं अनीता गौड़ को हमारे कार्यक्रम मेरी है ये जुगलबंदी में। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के साथ अब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों ने मचाया है तहलका और तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रेडियो हिंदुस्तान में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आप कौन सी गैस यूज़ करते हैं, भारत गैस, HP गैस या इंडियन गैस? लेकिन यह सभी सिलेंडर में ही तो भरकर आप तक पहुँचती होंगी ना, यानी कि इन गैसों ने ही सिलेंडरों का दिमाग गर्म किया है या सिलेंडर की गर्मी से गैस की कीमतें बढ़ी हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज कुछ लोगों द्वारा हमारे रिपोर्टर को गैस सिलेंडर के भाव खाने की खबर मिली, तो रेडियो हिंदुस्तान के रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने पहुँच गए। आइए सुनते हैं सिलेंडर ने क्या कहा। और भैया, क्या हालचाल, जल रहे हैं आजकल तो? मतलब एकदम गजब ढाई हो, जहाँ देखो बस तुम्हारे चर्चे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ तुम ही तुम हो। क्यों, गैस सिलेंडर मौत है, सही कह रहे हैं ना? आ गए जले को लाइटर लगाने। जला तो तुम रहे हो जनता को, ये कहो कि तुम भाव बहुत खा रहे हो, जमीन पे पैर नहीं टिक रहे तुम्हारे। अंदर भरी गैस जमीन पर टिकने कहाँ देती है हमें। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन तुम ऐसा करो कि यकीन नहीं होता। अरे, तुम्हारे दिल की जगह दिल ही है या पत्थर? पत्थर वत्थर तो नहीं लगवा लिया तुमने? तुम भी जियो बन गए हो सिलेंडर महोदय। वो कैसे रिपोर्टर जी? देखो, पहले सस्ता दे दे के तुम लोगों को बहलाए, चूल्हा अंगीठी के नुकसान और अपने फायदे बता बता के खूब फुसलाया। ऐसी गंदी आदत लोगों को डलवाती कि एक पल तुम्हारे बिना नहीं रह सके। जब तुम जान गए कि अब जनता पूरी तरह से तुम्हारे खोपचे में आ चुकी है, तब तुमने अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कौन देता है तुमको ये सलाह? रिपोर्टर आप हो, पता आपको होना चाहिए। और अब अगला डायलॉग जाली LLB फिल्म का यह मत मार देना, ना जाने कहां से आते हैं ये लोग। हाँ, याद आया, शुरू शुरू में तो सब्सिडी का ऐसा लॉलीपॉप दिए थे तुम कि आदमी एकदम से झांसे में आ गया। मेरा मुंह मत खुलवाओ, यही अच्छा होगा। सिलेंडर महोदय, तुमने और सब्सिडी ने खूब जुगलबंदी की है। जुगलबंदी? और हमने? हाँ हाँ, वो क्या है, तुम बढ़ते तो सब्सिडी बढ़ती, तुम घटते तो सब्सिडी घटती, ऐसी जुगलबंदी कम ही दिखती है। देखो देखो, तुम्हारी बातों से मुझे साजिश की बू आ रही है। तो तुम्हारे इरादे कौन से नेक हैं? लगता है तुमने एक बहुत गहरी साजिश रची है, गरीब आदमी पर खूब धाक जमा रहे हो। हाँ, धाक तो गरीब पर ही जमाई जाती है, जैसे भाव गैस के ऊंचे हो रहे हैं तो लात हम गरीब खा रहे हैं। गलत का साथ करोगे तो दिक्कत में तो आओगे ही। वैसे तुम कहाँ से गरीब हो भाई, तुमने तो अपना असली रंग ही दिखा दिया। तुम बढ़ते गए, अब तो बस एक झटका ही बाकी है। अब आप नितांत पर्सनल इश्यू पर जा रहे हैं श्रीमान जी, इट्स नॉट फेयर। मैंने केवल मुहावरे का यूज किया था। चलो ये भी मान लेते, लेकिन ये बताओ कि सब्सिडी कहाँ छोड़ा है? और भी यही कहीं है, लेकिन गई तो तुम्हारे ही साथ थी ना, फिर साथ लौटी क्यों नहीं? अब तुम 600 तक गिर गए थे, तब 16-17 थी, अब जब 1000 से भी ऊपर 2000 तक पहुंच गए हो तो वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। देखो भाई, बहुत सवाल हो गए, सबके सब फालतू सवाल, और अब और पूछकर मेरा BP मत बढ़ाओ। कोई झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों का? नहीं नहीं, हुआ है तो बता दो, कोई एक दो बात नहीं, ये बात तो पूछता है पूरा भारत। देखो बहुत हो गया तुम्हारा। सुनो, वैसे भी झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से मिलके रहो, पहले तो बड़ा प्यार था तुम दोनों में, अचानक से क्या हो गया? तुम जाते हो या? चला जाऊंगा, लेकिन हमें तो तुम्हारे ऊपर पूरा डाउट है, करेक्टर ढीला लगता है तुम्हारा, जरूर कुछ उठपटांग हरकत की होगी बेचारी सब्सिडी के साथ। रिपोर्टर बोलो भाई, भाई जनता का तो कुछ ख्याल करो भाई, पहले ही लोगों का इतना नुकसान कर चुके हो, जब से तुम आए हो लोगों में गैस की समस्या बढ़ गई है, नहीं तो देख लो घर घर में गैस का चूरन मिल जाएगा। मैं पहले से ही मेंटली परेशान हूँ, टेंशन से मेरा सिर फटा जा रहा है। ठीक है, कभी कभी उछल भी लिया करो, तुम्हारी भी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि लोगों के चूल्हे भी जलते रहे। भैया फलो फूलो, लेकिन कम से कम पैर तो जमीन पर ही रखो। मैं पूरा फटूं उससे पहले ही 9-2-11 हो जाऊं। तो दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान के लिए ये था सिलेंडर भाई का इंटरव्यू। मैं इनको कह रहा हूँ, जिस तरह से ये बेतहाशा बढ़े जा रहे हैं,
पक्का है कि ये खुद गैस की समस्या की गिरफ्त में आ चुके हैं। फटू या नहीं, आज फट गया तो तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। भाई तुम्हें भी मीडिया जीवी बनने का शौक चल रहा है तो बता दो, फिर जनता भी अपना इंतजाम कर ले। ओह मैं फट रहा हूँ। रुको भाई रुको, भागता हूँ मैं, भागता हूँ। तो दोस्तों इस इंटरव्यू को लाइक और शेयर जरूर करें और रेडियो हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिलहाल के लिए अनीता आपको कहेगी धन्यवाद और मिलेगी बहुत जल्दी। जुड़े रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।